తెలంగాణ గడ్డ మీద గులాబీ జెండా మన గులాబీ జెండా ఎగురుతుంది కేసీఆర్ గులాబీ జెండా కారు గుర్తు జెండా తెలంగాణ 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 నేల మీద గులాబీ జెండా మన గులాబీ జెండా ఎగురుతుంది కారు గుర్తు గులాబీ జెండా మన గుండెల నిండా గుండెనొకటి చేసి గులాబీ జెండా మన గులాబీ జెండా తెలంగాణ సాధించిన గులాబీ జెండా మన గులాబీ జెండా గుండె గుండెనొకటి చేసి గులాబీ జెండా మన గులాబీ జెండా తెలంగాణ సాధించిన గులాబీ జెండా కారు గుర్తు జెండా ఎగరేసిన జెండా కారు గుర్తు జెండా తెలంగాణ బిడ్డలకు అండా దండా మన గులాబీ జెండా కేసీఆర్ కేసీఆర్ మన కేసీఆర్ సారు ఎగరేసిన జెండా కారు గుర్తు జెండా తెలంగాణ బిడ్డలకు అండా దండా మన గులాబీ జెండా తెలంగాణ గడ్డ మీద గులాబీ జెండా మన గులాబీ జెండా ఎగురుతుంది కేసీఆర్ గులాబీ జెండా కారు గుర్తు జెండా గౌరవాన్ని చాటి చెప్పిన జెండా మన గులాబీ జెండా పరాయి పెత్తనాన్ని పాతరేసిన జెండా మన గులాబీ జెండా ఆత్మగౌరవాన్ని పరాయి పెత్తనాన్ని చల్ ఆత్మగౌరవాన్ని చాటి చెప్పిన జెండా మన గులాబీ జెండా పరాయి పెత్తనాన్ని పాతరేసిన జెండా కారు గుర్తు జెండా ఓ తెలంగాణ గడ్డ మీద గులాబీ జెండా మన గులాబీ జెండా ఎగురుతుంది కేసీఆర్ గులాబీ జెండా మన గుండెల నిండా జై 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 కేసీఆర్ జై 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 టీఆర్ఎస్ జై జై అస్సలాము అలైకుం आज हमारा चौथा दौरा शुरू हो रहा है। तीन दौरे पैदल या जो हमने फिरा है, डोर टू डोर सर्वे करा है। पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी आई है और तकरीबन पब्लिक टीआरएस को वोट डालने के लिए कह रही है। मैं ये चाहती हूँ कि और अपना जो टीआरएस को मजबूत बनाने के लिए और अपना वोट टीआरएस के हक़ में डालिए। पूरे ऑल सिटीजन्स कम आउट एंड गिव द वोट टू कार। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हैदराबाद में तेलंगाना सरकार जो काम कर रही है आवाम के लिए, शायद ही कोई चीफ मिनिस्टर नहीं करा है। ये पहला चीफ मिनिस्टर है जो हैदराबाद के लिए आवाम के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। आवाम इसके लिए थोड़ा ताउन देना चाहिए कि हमारा मिनिस्टर हमारे लिए क्या कर रहा है और हम किसको वोट देना चाहिए। तो लिहाजा मैं आप सभी से गुजारिश करती हूं कि आप अपना वोट कार को दीजिए और टीआरएस पार्टी को जिताने की कोशिश करिए। और मैं ये कहना चाहती हूं कि आज हैदराबाद में तेलंगाना है और हैदराबाद का नाम किसके नाम से है? हैदर के नाम से है, हैदर के नाम से है। और हैदर के हम गुलाम हैं और जहाँ जहाँ गुलाम जाते हैं वहाँ फतेह 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 होती है। जय तेलंगाना, जय केसीआर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, केसीआर साहब जिंदाबाद, महमूद अली साहब जिंदाबाद। हम मुसलसिल 34 तालाब संचलन में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कोई पार्टी ऐसा काम नहीं करी जो टीआरएस पार्टी, तो केसीआर साहब 2001 से बहुत ही अच्छा काम करते हुए और 2014 में तेलंगाना आया। तेलंगाना आने के बाद जो स्कीमत, कोई हुकूमत हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद कोई हुकूमत ऐसा काम नहीं करी तो केसीआर साहब करे हैं। आप देखिए, जब 2000 में तेलंगाना आया कोई फसाद नहीं हुआ कोई, और तेलंगाना पुलिस भी बहुत ही अच्छा कॉपरेट कर रही है और आवाम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो तेलंगाना में केसीआर साहब जो स्कीमत दिए हैं, कोई हुकूमत ऐसा स्कीम नहीं दिए। एक रुपये से मैं 1 लाख तक स्कीमत बताता हूँ आपको। 1 रुपये में राशन शॉप पर चाहिए, अगर
एक रुपए में एक किलो चावल, अगर 10 फैमिली है वो हिसाब से 10 किलो चावल, 5 रुपए में खाना देखिए आप। हैदराबाद में कोई हुकूमत ऐसा काम नहीं करी, 5 रुपए का खाना देखिए आप। उसके बाद कांग्रेस 200 रुपए दी पेंशन, उसके बाद केसीआर साहब 2116 रुपए, और हैंडीकैप पेंशन के लिए 300 रुपए कांग्रेस दी, 3116 रुपए दिए। शादी मुबारक 2014 में 51,000 दिए, उसके बाद 2016 में 75,000, फिर आज 19 से 20 तक 1,116 रुपए, और कल्याण लक्ष्मी को भी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह जो प्रेगनेंसी की है वो 15,000 रुपए दे रही है केसीआर साहब, और डबल बेडरूम भी इंशाल्लाह जितने भी ऑनलाइन करेंगे मैं यहाँ की आवाम को बता दूंगा कि डबल बेडरूम आपके हक तक हम पहुँचाएंगे, TRS पार्टी देंगी इंशाल्लाह ताला। और आप जो आज हम जो ठहरे हैं 4 दिन से जो सर्वे कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई पार्टी ऐसा काम नहीं करी, केसीआर साहब करेंगे। एक बार सैयद नरजी साहब बानो को एक बार मौका दीजिए, इंशाल्लाह नायक पिक्चर में एक दिन का CM जो था हम बता देंगे नरजीज बानो ने, बहुत ही अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारा मकसद आवाम तक जो भी स्कीमात हैं हम पहुँचाएंगे। जय तेलंगाना, जय।